गाइस गोट रेडी और अभी ब्रेकफास्ट के लिए नीचे जा रहा हूँ मैं, काफ़ी लेट हो गया तो नीचे मिलते हैं। सो गाइस ब्रेकफास्ट कौन सी थी, तो वेजिटेबल में यही ऑप्शंस था और चल खाते हैं और फिर प्लान करते हैं कहाँ जाना है आज। सो गाइस अभी हम जा रहे हैं कहीं लोकल मार्केट में सर्च करने इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स, देखते हैं कुछ अगर इंटरेस्टिंग लगेगा, कुछ सस्ता लगेगा तो डेफिनेटली कुछ ले लेंगे। गजब की स्पोर्ट्स कार है और काफ़ी लग्जरियस गाड़ी देखने को मिलती है दुबई में आते हैं तो, स्पेशली हमारे इंडियंस के लिए, बाकी और कंट्री को तो पता नहीं बट इंडियंस के लिए तो ये इंडिया में इतनी नहीं दिखाई देती, रेयरली दिखाई देती है। कार्स वगैरह देखनी हो तो हमारे लिए यही स्टॉप होता है दुबई का, काफ़ी लग्जरियस गाड़ी वगैरह देखने को मिलती है। तो चलिए अभी मार्केट जा रहे हैं, इधर से रोड क्रॉस करके जाना है। अब इंडिया की तरह नहीं है, यहाँ पे हमें वेट करना पड़ता है, लाइट वगैरह होती है तो लाइट होगी तो भी रोड क्रॉस करेंगे, तभी वो वेट कर रहे हैं। और अभी ऐसा नहीं है कि इंडिया में लाइट नहीं होती है, लाइट होती है तभी रोड क्रॉस कराते हैं, बट वो कार्स के लिए होती है, बट यहाँ स्पेशली दिखाया जाता है कि आप वॉक करके रोड क्रॉस कर सकते हो नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे आज स्पेशली ध्यान रखें क्योंकि यहाँ पे पुलिस वाले काफ़ी सिविलियन ड्रेस में भी होते हैं, अगर आप रेड लाइट में अगर रोड क्रॉस करने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए चलान कट जाएगा और आई थिंक 200 दिरहम का चलान कटता है। ठीक है थोड़ा केयर गाइस, जो मैं बात कर रहा था वो आप पीछे देख सकते हैं, रेड लाइट हो रही है तो हमें वेट करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि रोड एम्प्टी है तो हम निकल जाए, ऐसा नहीं निकल सकते, ग्रीन होने का वेट करना पड़ेगा तो आपका चलान भी कट सकता है। गाइज आईफोन देख रहे थे 10S Max और उसकी कॉस्ट बताई 64GB की, 85,000 के अराउंड पड़ेगा, 85,900 के अराउंड, तो देख रहे हैं कुछ और सस्ता मिल जाए, फिर वो कस्टम वगैरह का चक्कर देखते हैं तो कैसे क्या करने वाले हैं, देखते हैं अगर लगेगा तो ले लेंगे नहीं तो रहने लेंगे। अभी तो यहाँ पे क्लोथिंग के स्टोर हैं, छोटे मोटे स्टोर्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, टिकट से या टिकट वगैरह बुकिंग से रिलेटेड स्टोर है, तो कोई आईफोन वाला स्टोर दिखाने जो आईफोन हो सकता है मे बी इस पे हो तो देखते हैं, इस पर ट्राई करते हैं। गाइज दो तीन जगह पता किया वहाँ नहीं मिला और अभी हमें सिटी सेंटर दिखाई दे रहा है तो वहाँ पे जाते हैं, वहाँ अगर एप्पल स्टोर होगा तो डेफिनेटली मिलने वाला है तो वहाँ जाके पता करते हैं, मे बी वहाँ से ही हमें शायद बेस्ट प्राइस मिले तो देखते हैं। सो गाइज मॉल में काफ़ी सर्च किया, हमें आईफोन मिला बट वो मिला थोड़ा एक्सपेंसिव एज़ कम्पेयर टू लोकल मार्केट, लोकल मार्केट में थोड़ा सस्ता मिल जाता है एज़ कम्पेयर टू मॉल्स वगैरह, बट हमने अभी तक डिसाइड नहीं है हम बाई करने वाले क्योंकि कस्टम का चक्कर हो सकता है और हम इंटरनेशनल बाई कर रहे हैं तो इंटरनेशनल वारंटी का भी पता करना पड़ेगा, थोड़ा सस्ता पड़ रहा है बट सस्ते के चक्कर में फंस ना जाए, इसलिए थोड़ा सा अभी सोच विचार कर रहे हैं कि लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। बाकी अभी मैकडी में है और बर्गर ऑर्डर किया है तो ऑप्शंस एक ही वेज बर्गर में एक ही ऑप्शंस अवेलेबल था और आप उसे बाहर जाते हो तो आपको ये प्रॉब्लम तो फेस करनी ही पड़ती है कि ऑप्शंस नहीं मिलते हैं वेज में, बहुत ही कम ऑप्शन होते हैं, जो मिला हमने ले लिया है तो अभी हम खाने वाले हैं। कॉम्बो कराया है मैंने तो कोक के साथ और कुकी वगैरह लिए, तो आते दिखाता हूँ मैं और उसके बाद जाएंगे बैक टू होटल, फिर रेडी हो जाएंगे हम डेजर्ट सफारी। गाइस मील इज़ हियर, तो ये मील है तो ये लार्ज है, आई थिंक इंडिया के अकॉर्डिंग एक्स्ट्रा लार्ज हो गए, इंडिया में इतने बड़ा नहीं मिलते हैं पेप्सी वगैरह कोक वगैरह, तो अभी खाते हैं फिर निकलते हैं। गाइस केम बैक टू द होटल और अभी बजा है 1:30 बजे का वेट है क्योंकि फिर जाएंगे हम डेजर्ट सफारी पे, तब तक मैं थोड़ा रिलैक्स होता हूँ। सो गाइस जस्ट वोक अप और अब टाइम हो गया 2:35, तो डेजर्ट सफारी का टाइम हो गया है तो लॉबी में वेट करने के लिए कहा 2:30 पे, तो अभी नीचे जाता हूँ और वेट करता हूँ, चलिए चलते हैं। सो गाइस पिकअप इज डन और अभी 3 पॉइंट पे रुकने वाले हैं, फर्स्ट पॉइंट होने वाला है जहाँ क्वाड बाइक चलाने वाले हैं तो वो पैकेज में इंक्लूड नहीं है तो देखते हैं, अगर अच्छा लगेगा तो डेफिनेटली करने वाले हैं। तो सेकंड पॉइंट होने वाला है हमारा जो सफारी वाला पॉइंट होगा और थर्ड पॉइंट पे हम रुकने वाले हैं जहाँ कैंप्स लगे होंगे, बैली डांस और अलग अलग तरह के डांस फॉर्म्स वगैरह होंगे और वहाँ पे हमें फूड मिलेगा, मीन्स डिनर मिलेगा अपना और उसके बाद हम वापस आ जाएंगे। तो पहला स्टॉप जैसे बताया क्वाड बाइक का होने वाला है तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट और देखते हैं कैसा होने वाला है और अच्छा लगेगा तो डेफिनेटली करने वाले हैं। गाइस वी रीच और फर्स्ट स्टॉप और यहाँ पे क्वाड बाइक का ऑप्शन मिलेगा, खाने के ऑप्शन है, मे भी थोड़ा बहुत शॉपिंग वगैरह के भी ऑप्शन है। क्वाड बाइक दिख रही है मुझे, मैं आपको भी दिखाता हूँ, तो ये क्वाड बाइक्स है तो देखते हैं कैसा क्या होने वाला है, मोस्ट प्रोबेबली करने वाले हैं। तो गाइस काफ़ी राइड्स के ऑप्शन अवेलेबल है, सिंगल वाली है, लाइक ग्रुप वाली भी है, सेल्फ ड्राइव भी है, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन लेते हैं
डिस्कशन करते हैं और फिर देखते हैं, फिर बताते हैं। सो गाइज, क्वाड बाइक नहीं तो ये डबल वाली चला रहे हैं। थोड़ी सी बिगर है, बेटर है, ज़्यादा पावरफुल है और ज़्यादा एडवेंचरस है, ज़्यादा कुछ कर सकते हैं। मैं ड्राइविंग सीट पर नहीं हूँ। सो गाइज, दैट वॉज फन। क्या उसमें मज़ा आया है। और ये हमें पड़ा 500 दिरहम दो पर्सन के लिए। ये डबल वाली थी, ये वाली सिंगल वाली भी होती है, क्वाड बाइक्स बोलते हैं इनको। चारों वाली भी मिलती है, तो अपने अकॉर्डिंग लीजिए। तो ऑप्शंस थे 204 सिंगल वाली, डबल वाली के 500 और चार वाली के 800। तो इसके अकॉर्डिंग होता है। सिंगल सिंगल लेंगे तो आपको 200 ईच दिरहम पड़ेगा। तो दिरहम का कॉस्ट हम एक्सचेंज के बाद अराउंड 21 रुपीज़ पड़ा है। तो थोड़ा सा बिट एक्सपेंसिव है, बट फन था, मज़ा आ गया है। और अभी थोड़ा सा टाइम है, यहाँ पे थोड़ा बहुत इन्जॉय करते हैं। उसके बाद सेकंड स्टॉप होगा हमारे डेजर्ट सफारी होगी, उसका थर्ड हमारा कैमल सफारी इन कैंप एंड द डांस शो एंड द अदर स्टफ, वो भी होने वाला है। इट विल बी फन। सो गाइज, वी रीच्ड कैंप एरिया और अभी यहाँ होगी क्या, ड्यून बैशिंग। गाड़ी के टायर्स की हवा निकाली जा रही है, क्योंकि ड्यून बैशिंग में टायर्स में हवा नहीं होनी चाहिए, गाड़ी ज़्यादा कंट्रोल में रहती है एक्चुअली। गाइज, ड्यून बैशिंग हुई, क्या ड्यून बैशिंग थी, मज़ा आ गया। और अभी हम लास्ट पॉइंट पे आ गए हैं, यहाँ पे होगा बैली डांस और अदर स्टफ, फूड भी यहीं है, तो सब कुछ यहीं होने वाला है। मौसम रहा, फर्स्ट राइड भी और सेकंड ड्यून बैशिंग भी, मज़ा आ गया एकदम। तो पी रहे हैं कोल्ड ड्रिंक, तो उसके बाद खाएंगे खाना। अभी तो मन नहीं है, दो घंटे का टाइम है हमारे यहाँ पे, दो घंटे में काफ़ी कुछ होने वाला है। तो पहले कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, फिर डिसाइड करते हैं क्या खाने। That was fun। और मुझे उम्मीद है आपको मुझे पसंद आया होगा। तो अभी होटल जा रहे हैं, तो जब होटल पहुँचेंगे तो मिलते हैं। हम वहाँ से चले थे 8 o'clock और अराउंड 9 o'clock हम यहाँ पहुँच गए थे। और अभी फिलहाल 10 बज चुके, डाटा ट्रांसफर कर चुका, आई डोंट नो द बिट। और अब टाइम हो गया सोने का। अगर आपको वीडियो पसंद है, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।